गुड आफ्टरनून फ्रेंड भाई, बहुत बहुत मैं वेलकम करता हूँ आपको। माफ कीजिएगा, मैंने शुरुआत इंग्लिश में की, बट मंडे की दोपहर को बहुत धमाकेदार शो है हमारे पास आज आपके लिए, क्योंकि आज हमारे साथ हैं किंग्स इलेवन पंजाब के दो उभरते सितारे, ऋषि धवन और रिद्धिमान साहा। भाई रिद्धि एंड ऋषि, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा शो में। आई होप आपको अच्छा लग रहा है हमारे शो में आके। बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके, और होपफुली आने वाले आधा घंटा अच्छा मजा आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नया एक्सपीरियंस है, देखते कैसे जाते अच्छा ही जाएगा। रिद्धि, हम सब की कोशिश यही रहेगी कि आपको भी मजा आए, हमारे दर्शकों को भी मजा आए, और जो हमारे फैंस जो हमारे साथ आज शो में आए हैं उनको भी मजा आए। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसी 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 नोट पे हम लोग शुरू करते हैं हमारी बातचीत। मैं शुरू करूंगा कि ऋषि, पहला सवाल आपके लिए है कि भाई, आपने बड़ी धमाकेदार शुरुआत की है इस सीजन की, आप अपनी परफॉर्मेंस से मतलब खुश हैं, आप आपको लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और ऐसा चलता रहेगा, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी तक। किंग्स इलेवन की टीम भी काफ़ी अच्छा कर रही है हमारी, और परफॉर्मेंस मेरी भी अच्छी जा रही है, तो होपफुली यही कैरी करूंगा आगे। और हमारी तो हमारी यही उम्मीद रहेगी कि आप इसी तरह अपनी परफॉर्मेंस जारी रखें, आप परफॉर्म अपनी टीम के लिए बेहतरीन खेलते रहें। रिद्धि, आपके लिए सवाल है मेरे पास कि भाई, आप आईपीएल में काफी समय से हैं, आपने काफी जगह खेला है, लेकिन इस साल पंजाब, खास तौर से पंजाब की टीम के साथ आपको एक्स्ट्रा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ऊपर बैटिंग करें, तो आपको मजा आ रहा है इसमें या आपको घबराहट हो रही है कि भाई नहीं, मुझे अब मेरे पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम के लिए बैटिंग करने का, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि पहले जो जिस टीम में हम लोग मतलब मैं खेलता था तो उधर उतना फ्रीक्वेंटली मौका नहीं आता था, इधर मौका आ रहा है। अगर जितना टीम के लिए मैं रेस्पॉन्स मतलब स्कोर कर सकूंगा या अच्छे कैचेस पकड़ूंगा वो टीम के लिए अच्छा ही होगा। चलिए बेहतरीन, हमारे साथ आज हमारी को होस्ट भी हैं द रैविशिंग रवलीन, की फैन से बातें कर रही हैं सर्कल ऑफ क्रिकेट पे, और उन्होंने बहुत सारे सवाल उनसे लिए हैं आप लोगों के लिए, तो चलते हैं रवलीन के पास। रवलीन, हाय पंकज। हेलो रवलीन, वेलकम, आप शुरू हो जाइए भैया, आपके सवाल आप दनादन आप फेंके मारिए बाउंसर्स और इनको मारने दीजिए। हाँ जी, हाय ऋषि, हाय, हेलो हेलो हेलो, यस, हाय ऋषि, हाय रिद्धि, हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you doing? Great. अच्छा ऋषि, पहला सवाल आपके लिए है, सब जानना चाहते हैं कि किस उम्र से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उससे जुड़ी कुछ कहानी बताइए हमें। मैं जब 13 साल का था तब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। तो मैं वैसे किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में नहीं जाता था, तो एकदम से मतलब मैं घर के बाहर ही स्कूल का ग्राउंड होता था तो वहाँ पे खेलते थे, तो एकदम से ही पता चला कि ट्रायल्स वगैरह होते हैं और ऐसा होता है, तो मैं सीधे डायरेक्टली ट्रायल्स पे गया था और मैं सिलेक्ट हो गया था अंडर 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की और फिर उसके बाद से मैं एकदम गजब बवाल, टू मच ऋषि, रेस्ट इज द हिस्ट्री। अच्छा रिद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस विकेट कीपर या बल्लेबाज को आप अपना आइडल मानते हैं? मैं तो जब से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ उसके बाद से मुझे एडम गिलक्रिस्ट का बैटिंग स्टाइल और कीपिंग स्टाइल बहुत पसंद है अभी तक। उसके बाद MS भी है, एंडी फ्लावर भी है इंग्लैंड का, एलेक्स स्टुअर्ट भी है, मगर फिर से उसके बावजूद भी एडम गिलक्रिस्ट तो बेस्ट मुझे लगता है। ओके, ओवर टू यू पंकज। थैंक यू रवलीन, इन बेहतरीन सवालों के लिए हम आपके पास फिर से आएंगे और फिर से मौका देंगे आपको फैंस से, फैन के कुछ सवाल ऋषि और रिद्धि से पूछने के लिए। फिलहाल मेरे पास कुछ चंद सवाल हैं ऋषि और रिद्धि के लिए। ऋषि, आपके लिए सवाल है कि भाई आप लोगों ने, आप UAE में गए, आप लोग IPL में दुबई में शारजा में आपने खेला, वो कैसा माहौल था, मतलब कैसा लगा आपको, वो आपके लिए एक्सपीरियंस किस तरह का था, आपको मज़ा आया, बताएं, फैन जानना चाहते हैं, आपकी आपकी आपके खुद की आवाज़ में बताइए। काफ़ी मज़ा आया दुबई में भी, पर इंडिया में अगर सारे मैचेस होते तो और भी ज़्यादा मज़ा आता, हमारे फैंस को ज़्यादा मज़ा आता, हमें भी खेलने का मज़ा आता, पर दुबई भी काफ़ी अच्छा था, दुबई में भी काफ़ी हमने इंजॉय किया, और ज़्यादा इंजॉय इसलिए किया क्योंकि हम सारे के सारे मैच जीत गए वहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी बात थी हमारे लिए।
नहीं, मैंने आपकी काफी सारी पिक्चर देखी थी आप लोगों की टीम की, आप लोग काफी मस्ती कर रहे थे, आप बाहर गए थे तो माहौल काफी अच्छा लग रहा था टीम का। जी बिल्कुल एकदम। रिद्धि ये सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि ये फैन ने पूछा है, सौरभ हमारे फैन है, उन्होंने ये भेजा है सवाल आपके लिए कि भाई बंगाल में तो फुटबॉल बहुत बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो आप भी क्या ये खेलते हैं, खेलते थे, और आपने क्रिकेट को कैसे चुना, मतलब ये जानना चाहते हैं लोग कि बंगाल में तो फुटबॉल तो कुछ ज्यादा ही है, तो ये क्रिकेट कैसे हुआ? पहले जो मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग का जो कलकत्ता में जो लीग मैचेस होता है या क्लब प्रैक्टिस होता है, उधर अगर हम लोग रोज प्रैक्टिस से पहले वार्म अप में फुटबॉल नहीं खेलते तो उस दिन प्रैक्टिस नहीं होता है, वो कंपलसरी है फुटबॉल। और मेरा पिताजी भी फुटबॉल खेलते थे, इसीलिए थोड़ा अच्छा भी लगता था फुटबॉल, इसलिए मतलब थोड़ा फुटबॉल में जान हम लोग का सभी है कलकत्ता वासियों के लिए। और उसके बाद क्रिकेट तो है ही, बचपन से पसंद आए थे और मतलब जितना देखते उतना पसंद आ रहा है तो खेलते जा रहे हैं अभी तो। अभी भी जहां तक मुझे पता है कि शायद वार्म अप में प्रैक्टिस सेशन में आप लोग अभी भी शायद खेलते हैं फुटबॉल, तो आप सबको पछाड़ देते होंगे, ऋषि को, संदीप को, लोग तो पीछे रहते होंगे आपसे। नहीं, इधर किंग्स इलेवन में फुटबॉल उतना नहीं हुआ, मगर बॉल है, वो ट्रिक्स वगैरह ड्रिल्स वगैरह होता है, मगर मैचेस उतना नहीं हुआ है, अगर हुआ होगा तो मतलब ट्राई करेंगे सबको हराने के लिए। चलिए उसके लिए भी आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि जरूर हो। अभी चलते हैं हम लोग, हमारे साथ चंद मेहमान हैं हमारे शो पे, यहाँ पे प्रणीत, सनी और केदार ने ज्वाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं मौका देना चाहूंगा प्रणीत को। प्रणीत, आपके पास सवाल है ऋषि या रिद्धि के लिए, आप पूछ सकते हैं अभी। हाय ऋषि, हाय रिद्धि, हाय। मेरा क्वेश्चन पहले ऋषि के लिए है कि हमने नोटिस किया है कि आपके कैप्टन जनरली आपको ट्रस्ट करते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग देने के लिए, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है और आप इस चैलेंज के लिए काउंटर करने के लिए कैसे, क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है और आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? देखो, मेरे पे जॉर्ज बेली काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो मेरी भी यही सारा टाइम ये रहती है कि उनको मतलब मैं पूरा अपना 100% दूं और जितना वो मेरे को बैक करते हैं मैं भी उतना रिस्पांस दूं। तो डेथ ओवर्स में तो ऐसा रहता है कि बैट्समैन के हिसाब से प्लानिंग होती है, बैट्समैन जिस हिसाब से शॉट्स खेलता है, हर बैट्समैन का अलग स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। तो जो भी हम दोनों के बीच में डिस्कस होता है तो मैं उसी पर रिस्पॉन्स करता हूँ, और होपफुली अभी तक अच्छा चल रहा है, आगे भी कोशिश करेंगे कि अच्छा ही चले। थैंक यू प्रणीत, हम आपके पास वापस आएंगे एक और सवाल के लिए थोड़ी देर में, पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा ऋषि से। संदीप शर्मा हमारे साथ कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते शो में थे, उन्होंने एक बात कहा था कि भाई बॉलर होते हुए ऐसे सिचुएशन में जब बहुत मार पड़ रही हो तब चाहे आप अंदर से कितना भी डर रहे हैं, वो एक वो एक्टिंग एबिलिटी निकल के आती कि भी दिखाई नहीं देना चाहिए अगले बैट्समैन को, तो क्या आप भी ये फॉलो करते हैं ऋषि? जी बिल्कुल, जब मार पड़ रही होती है तो फॉलो करना ही पड़ता है। चलिए बहुत सही, हमारे साथ एक बड़े ही स्वीट से छोटे हमारे फैन हैं, यंगेस्ट फैन जो आज के दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केदार। केदार आप हैं हमारे साथ? केदार, मुझे लगता है कि केदार को थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है आवाज का। आप केदार, आप जब तक ठीक करते हैं हम चलते हैं सनी गुप्ता के पास। सनी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ऋषि या रिद्धि से, जिससे भी आप पूछना चाहें अभी। हाय ऋषि, हाय रिद्धि, हाय। मेरा क्वेश्चन कि जब आप विकेट कीपिंग करते हैं स्पिनर्स को, तो आप उनकी डिलीवरीज कैसे रीड करते हैं, मतलब हाथ से रीड करते हैं या फिर पिच से? जो मेन चीज है वो हाथ से रीड करना पड़ता है, क्योंकि बचपन से जो सिखाया जाता है वो जितना तुम हाथ रीड करोगे उसका डिलीवरी का एक्शन भी पता चलता है कि वो अगर ऑफ स्पिनर हो तो उल्टा डाल रहे कि नॉर्मल डाल रहे, लेग स्पिनर हो तो गूगली, या जितना अच्छा हाथ फॉलो करोगे उतना मतलब, और उसके बाद तो बाउंस, विकेट के बाउंस कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके ओके, वंडरफुल, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सनी। यू नो, एक और सवाल है जो फैंस ने पूछा है रिद्धि से। रिद्धि, पहले ये माना जाता था कि एक विकेट कीपर को सबसे पहले एक बेहतरीन विकेट कीपर होना चाहिए और उनके पास बैटिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, इस हिसाब से उनको देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से पिछले 10-15 सालों में जो माहौल रहा है क्रिकेट का कि भाई आपको पहले एक बहुत ही भयंकर बल्लेबाज होना चाहिए और आप कीपर भी ठीक होने चाहिए, तो इस तरह का एक बदलाव आया है, तो आप
आप क्या सोचते हैं इस बदलाव के बारे में कि ये ठीक है बदलाव, या जो पहले जिस तरह से सोचा जाता था कि नहीं भाई विकेट कीपर पहले एक आला विकेट कीपर होना चाहिए उसके बाद एक बैट्समैन, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मुझे जो लगता है कि विकेट कीपर को पहले 100% विकेट कीपर होना चाहिए, उसके बाद अगर मतलब टीम के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब करना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन अभी आगे आएगा कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो जो पार्ट टाइम विकेट कीपर है वो अगर बैट अच्छा करता है तो वो खेल जाता है, इसीलिए कीपिंग तो करना ही पड़ेगा, वो मतलब कंपलसरी है, और उसके बाद बैटिंग में जितना हो सकेगा उतना टीम के लिए अच्छा होगा, मैं भी वैसे ही सोचता हूँ, पहले विकेट कीपर उसके बाद बैट्समैन। चलिए बहुत सही। ऋषि आपके लिए एक सवाल है, आप एक मीडियम पेस ऑलराउंडर हैं, सवाल ये है फैंस का कि पिछले 20 सालों में हमने देखा नहीं है कि बहुत सारे इंडिया से क्वालिटी सीम और बॉलिंग वाले ऑलराउंडर्स निकले हों, प्रॉब्लम ये देखे एक हर बार एक डिस्कशन हुआ करता था आपके नाम से पहले तो एक इरफान पठान का नाम उभर के आया करता था, तो ऐसा क्या है, मतलब क्या कहाँ प्रॉब्लम है इंडियन क्रिकेट में कि हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एक मतलब बेहतरीन 5 या 6 क्वालिटी सीम बॉलिंग ऑलराउंडर, आपकी राय में मतलब क्या क्या हो क्या रहा है, दिक्कत कहाँ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऑलराउंडर्स है नहीं, ऑलराउंडर्स काफी अच्छे अच्छे हैं, पर थोड़ा मुश्किल होता है ऑलराउंडर्स के लिए क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इसमें, क्योंकि आप लगातार बॉलिंग डालोगे, आप टेस्ट क्रिकेट की बात करो तो आपको 20-25 ओवर डालने हैं एक दिन में, उसके बाद बैटिंग पे 100% कंसंट्रेशन चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से आप दोनों चीज़ों में हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है कि ऑलराउंडर बनना, तभी बोलते हैं कि ऑलराउंडर का काफ़ी रोल होता है टीम के लिए, तो उस वजह से थोड़ी मुश्किल होती है, पर ऐसा नहीं है कि ऑलराउंडर है नहीं हमारे पास, इस टाइम भी हमारे पास काफ़ी ऑलराउंडर हैं और अच्छे ऑलराउंडर्स आ भी रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, होपफुली आने वाले टाइम में इंडिया को काफी अच्छे ऑलराउंडर मिलेंगे। ऋषि ने तो बंदूक मेरी तरफ तान दी कि भाई तुमने कैसे पूछ लिया ये सवाल ये फैंस से सवाल आया था, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मेरा काम था पूछना, मैंने पूछ लिया, बट थैंक यू आपने इसका जवाब दिया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं हमारे छोटे नन्हे फैन केदार की तरफ जाने, केदार आप हैं हमारे साथ? केदार केदार हाँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ऋषि या रिद्धि से, जिससे भी आप पूछना चाहें। पहला सवाल रिद्धि से है, मतलब एज अ कीपर, एज अ विकेट कीपर, आपको क्या ज्यादा चैलेंजिंग, क्या ज्यादा मुश्किल लगता है, कीपिंग टू फास्ट बॉलर्स, पेसर्स या स्पिनर्स? मुझे जो लगता है, पहले बात तो एक विकेट कीपिंग जॉब एकदम थैंकलेस जॉब होता है, क्योंकि सब कोई सोचते हैं अगर उनके पास ग्लव है तो उसको पकड़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ोगे तो गाली तो सुननी पड़ता है, तो उसके बावजूद मुझे लगता है मेरे को अगर जो लगता है वो है स्पिनर्स थोड़ा कीपिंग करना टफ है, क्योंकि वो विकेट के हिसाब से और डिलीवरी के हिसाब से एकदम मतलब 100% कंसंट्रेशन चाहिए तभी एकदम सक्सेसफुल हो सकते हो, और उससे मतलब और पेसर में थोड़ा डिस्टेंस मिलता है, सोचने का टाइम या मूवमेंट का टाइम मिलता है, इसलिए स्पिनर्स थोड़ा टफ लगता है मुझे। ओके थैंक यू केदार, हम आपके पास फिर से आएंगे एक और सवाल के लिए। हम इस समय चलते हैं रवलीन के पास। रवलीन प्लीज आप हमारे फैंस के क्वेश्चन सर्कल ऑफ क्रिकेट से जो आपने लिए हैं प्लीज पूछिए ऋषि और रिद्धि से। या ऋषि, हेलो रिद्धि, यस या आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आप शुरू से ही विकेट कीपर बनना चाहते थे? मैं जो बचपन में मेरा मतलब स्टार्टिंग वैसे कीपर नहीं थे मैं, तो हम लोग का जो मैं होम टाउन है उधर आसपास ही एक कोचिंग कैंप खुला था, तो उधर एक दिन 3-4 विकेट कीपर था, मतलब एक दिन कोइंसिडेंटली कोई भी नहीं आया, तो मैं उस दिन कीपिंग किया, मुझे मज़ा आया, उसके बाद से मैं कीपर ही बन गया। ओके आपके हिसाब से विकेट कीपिंग की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है T20 में? नहीं, वैसे देखा जाए तो कीपर के पास T20 में 10 या 12 बॉल ही आते हैं, मगर वो क्रूशल बॉल्स होते हैं, क्योंकि अगर आपने वो वाइटल टाइम में एक भी कैच या फंबल हो गया तो उधर 1-2 रन बहुत मैटर करता है T20 के लिए, इसलिए वो बहुत ही वाइटल जॉब है, मैं समझता हूँ जितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ करोगे तो उतना अच्छा होगा। परफेक्ट, ओवर टू यू पंकज। थैंक यू रवलीन। ऋषि आपके लिए सवाल है कि भाई अब ऋषि धवन जो नाम है काफी काफी फेमस, काफी पॉपुलर हो गया है हमारे पूरे भारत में,
आपकी जिंदगी कितनी बदली है इस पॉपुलैरिटी के बाद? अब लोग जानने लगे हैं, आप काफी फेमस क्रिकेटर हैं, तो आपकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव, कितना बदलाव आया है? बदलाव तो ऐसे कुछ ज्यादा खास नहीं आया, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे को तो क्रिकेट से ही मजा आता है, क्रिकेट ही मेन चीज है, तो अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो उससे मेरे को ज्यादा खुशी है। बाकी ये फेमस और ये पैसा वगैरह जो भी आ रहा है वो तो चलता रहेगा लाइफ में, अगर मैं अच्छा क्रिकेट खेलूंगा तो वो आगे आगे भी आने वाले टाइम में भी अच्छा चलता ही रहेगा, तो मेनली क्रिकेट ही है मेरे लिए, तो क्रिकेट अगर मैं अच्छा खेलता रहूंगा तो मेरे को काफी मजा आएगा लाइफ में। बहुत ही सही जवाब था, बहुत ही सुलझा हुआ जवाब था, ऐसे ही चलता रहा तो बेशक बहुत आगे जाएंगे आप यहाँ पे भी हमारे शो में भी। एक सवाल है जो हमारी एक फैन है हिना, उन्होंने भेजा है कि भाई आप अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी लाइफ कितनी बदली है, जो अभी आपको अटेंशन जो मिल रही होगी आपकी फीमेल फैन से, लड़कियों से, उसके बारे में बताओ भाई, मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कैसा लग रहा है कि अब आपको लड़कियों से बहुत अटेंशन मिल रही है, तो हिना जानना चाहती है कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको फीमेल फैंस अप्रोच करती हैं पिक्चर्स के लिए या ऑटोग्राफ के लिए, आपको कैसा लगता है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक मेरे साथ, कहाँ पे है फीमेल फैंस मेरे को बताओ तो सही। मैं हिना को बोलूंगा शो में आने के लिए जरूर, ताकि सवाल वो आपसे खुद कर सके। ओके थैंक यू फॉर दैट। रिद्धि एक सवाल है विकेट कीपिंग से जुड़ा हुआ, बोलते हैं कि जो सबसे बेहतरीन टीम होती है उनमें जो कीपर होते हैं वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते जो विकेट कीपिंग का है, बल्कि कप्तान की बहुत हद तक मदद करते हैं फील्ड सेटिंग में, समझने में कि क्या चल रहा है, बिकॉज बोला जाता है कि सबसे नज़दीकी नज़र अगर किसी की होती है अंपायर और बॉलर के बाद तो वो शायद विकेट कीपर की होती है, तो आपको क्या लगा? आप उसमें आप अग्री करते हैं कि कीपर का जो रोल है, जो योगदान है, वो विकेट कीपिंग से कहीं ज्यादा होता है, विकेट कीपिंग से कहीं ज्यादा होता है? नहीं, वो एकदम सही है, क्योंकि कीपर एकदम बीच में रहता है ग्राउंड के, वो उधर से हर पोजीशन एकदम क्लियरली दिखता है, क्योंकि कैप्टन जिधर रहता है उधर से हर एंगल या वो 100% दिखाई नहीं देता, इसलिए कीपर का जॉब वही होता है कि अगर थोड़ा इधर उधर फाइन ट्यूनिंग मतलब फील्डर के पोजीशन में होता है तो वो एग्जैक्ट होना चाहिए, इसलिए मतलब कीपर के जॉब तो उसी हिसाब से, और बैट्समैन कैसे शॉट्स खेलने का ट्राई कर रहा है या कैसे दिमाग चल रहा है उसका, वो भी रेट कर सकता है कीपर। ओके थैंक यू ऋषि को, इतने में प्यास लगी, ऋषि थक गए हैं, पानी पी रहे हैं। मैं इस मौके पे मैं जाना चाहूंगा फिर से हमारे फैंस के पास जो हमारे साथ शो में है, परनीत यही मौका है आपका, आप धर लें आप किसी एक को। जैसे आपने शुरू में बोला कि एडम गिलक्रिस्ट आपके आइडल हैं और आपको उनका उन्हीं की जगह ली है आपने इस टीम में, तो हाउ आप उनके कैसे उनकी जगह लेके, आपकी क्या स्ट्रेटजी है और आप कैसे उनके शूज उनकी जगह भर रहे हैं इस टीम में? फिर से कीजिए, समझा नहीं मैं। आपने कहा कि एडम गिलक्रिस्ट ही आपके आइडल रहे हैं कीपिंग में और आपने उन्हीं की जगह ली है किंग्स इलेवन पंजाब में, तो आपको कैसा फील होता है और आप उनके जैसे लेवल को कैसे अटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, उनके जगह तो कोई भी ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो लगता है कि मतलब ये सेंचुरी में अगर मेरा हिसाब से बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन होगा तो वो एडम गिलक्रिस्ट होगा, तो उनके जगह तो कोई ले नहीं सकता, मगर जितना टीम के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकूंगा बैटिंग वाइज या कीपिंग वाइज या एज ए टीम मेट, वो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो मेरे इम्प्रूवमेंट में ही काम आएगा। थैंक यू रिद्धि, कभी आपको ऐसा लगा कि बिकॉज जैसे कि परनीत ने कहा कि एडम पहले पंजाब में ही थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आपका एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रोल में, बिकॉज आप उन्हीं की जगह ले रहे हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि प्रेशर है, आपको लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया भाई कि एडम की जगह पे मैं अब खेल रहा हूं? तो नहीं, मैं अगर एडम किंग्स इलेवन पंजाब में रहता तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि एक साथ खेलने का मौका मिलता, फिर वो मैं मिस कर रहा हूँ अगर अब, और उसके बाद बोला जाए तो अगर मैं उनके जैसा थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर पाऊँ तो वो टीम के लिए और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही हम्बल आपका आंसर था, हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। चलते हैं हमारे नन्हे फैन की तरफ, केदार आप हैं वहाँ पे? केदार वैसे मैं केदार
केदार आप अपना सवाल पूछिए प्लीज। माय अदर क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रिधि, आपको क्या लगता है कि किंग्स इलेवन गो ऑल द वे, मतलब जाकर कैन दे विन द आईपीएल, वो आईपीएल जीत सकते हैं क्या, कैन गो ऑल द वे? ठीक तरह से सुनाई नहीं दिया, फिर से कीजिए। मैं सवाल बताता हूँ इनका केदार, थैंक यू फॉर दैट। मुझे मैं सुन पाया था शायद आपको, शायद ऋषि और रिधि नहीं सुन पाए। वो सवाल ये पूछ रहे हैं रिधि की, आपकी ओपिनियन में आपको क्या ये लगता है कि किंग्स इलेवन पंजाब इस बार जा पाएंगे पूरा ऑल द वे और आईपीएल की ट्रॉफी ला पाएंगे फैंस के लिए? अभी तो हम लोग जैसे खेल रहे दुबई में, हम लोग आउट ऑफ फाइव गेम्स पांचों में जीते, तो उसके बाद लास्ट मैच हम लोग हार गए, फिर भी जो हम लोग जैसे अप्रोच किए थे गेम के लिए, तो ऐसे अगर हम लोग कंटिन्यूसली खेलते जाएंगे तो होपफुली हम लोग पहले चार में तो आ ही जाएंगे और पहले दो में भी बहुत चांस है आने का। फैंटास्टिक। हमारे तीसरे जो फैन हैं सनी, जो थोड़े थोड़े रोहित शर्मा से जैसे लग रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि पंजाब का हैंगआउट है, मुंबई का कोई व्यक्ति इसमें नहीं होना चाहिए, पर कोई बात नहीं बिकॉज ये है नहीं वो असली में। तो सनी सवाल पूछो यार अपना। ओके, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम, मेरा सवाल ऋषि से है कि आपने ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हो आप सचिन तेंदुलकर के साथ और अब वीरेंद्र सहवाग के साथ शेयर कर रहे हो, तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए उस बारे में। काफी अच्छा लगता है इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ मैं ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ लास्ट एक दो सीजन से। पिछले साल सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया और इस साल मैं वीरेंद्र सहवाग और मैक्सवेल वगैरह सबके साथ कर रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा जो एनवायरनमेंट रहता है ड्रेसिंग रूम का वो काफ़ी अच्छा रहता है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बीच में खेल रहा हूँ, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो नेट प्रैक्टिस हमने की है, प्रैक्टिस मैचेज हमने खेले हैं, तो उसमें से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब जूनियर क्रिकेट जो भी कोई सीखना चाहता है, तो अगर आईपीएल में किसी को भी मौका मिलता है तो जूनियर क्रिकेट के लिए काफी अच्छा है वो। बिल्कुल, मुझे मुझे अभी अभी बताया गया है सूत्रों द्वारा कि ऋषि और रिद्धि को शायद बहुत ही जल्द जाना पड़ेगा हमारा शो छोड़ के, बिकॉज उनका एक और एंगेजमेंट है, शायद टीम मीटिंग या कुछ है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग जितना जल्दी हो सके अगले 5-7 मिनट में, जितना भी समय हमारे पास है, हम उनसे सवाल पूछ सके। तो चलते हैं डायरेक्टली रवलीन के पास। रवलीन, आपके पास कुछ सवाल हो तो प्लीज। बिल्कुल, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर रिधि। ओके रिधि, आपने अब तक अपनी टीममेट से शब्द पंजाबी सीख ली होगी क्या, फिर से बताइए। मैंने कहा आपने अब तक अपने टीममेट से कितनी पंजाबी सीखी, आपकी हिंदी बहुत ही क्यूट है पर आपने कितनी पंजाबी सीखी अब तक? मेरा हिंदी एकदम 100% फिर भी क्लियर नहीं है, फिर भी बोल लेता हूँ, मगर पंजाबी तो अभी तक सीख नहीं पाया। मुझे कुछ कुछ वर्ड समझ में आता है, 100% समझ में नहीं आता। पंगा ना लो तो समझ में आता है मतलब क्या होता मतलब? सही पूछा ऋषि, बहुत अच्छा सवाल है, मैं जानना चाहूंगा से कि पंगा ना लो का मतलब क्या, आप समझाएं। किसी का मतलब वो किसी से झगड़ा नहीं लेना है ऐसे। वही मुझे लगता है ऋषि को थोड़ी सी और क्लासेस लेनी पड़ेंगी रिद्धि की अलग से शो के बाद, इसके लिए शायद इसीलिए जाना होगा इनको बहुत जल्द इसके बाद। रवलीन और कोई सवाल है तो पूछें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ऋषि। ऋषि, आप ऑफ फील्ड कैसे रिलैक्स करना पसंद करते हैं? ऑफ फील्ड मैं गाने वगैरह काफी सुनता हूँ और ज्यादातर रूम में ज्यादा घूमने फिरना शौक नहीं है, तो गाने वगैरह सुनता हूँ और अपना जो रिलैक्सेशन के लिए अपने आइस बात हो गई, मसाज हो गई, वो वगैरह लेता हूँ और एंजॉय करता हूँ। किस टाइप के गाने पसंद करते हैं? मैं हर तरह के गाने सुनता हूँ, पंजाबी किशोर कुमार या योयो हनी सिंह। एक्चुअली मुझे यही पूछना था। नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे बताया जा रहा है कि ज्यादा समय नहीं हमारे पास, तो एक आखिरी सवाल मेरा और मेरे सवाल से पहले एक बार प्रणीत के पास चलते हैं। प्रणीत, मुझे बताया गया कि आपके पास एक और सवाल है, तो आप प्लीज पूछ लीजिए, यही मौका है। या सो मैं ऋषि से पूछना चाहूंगा कि आप स्लॉग ओवर्स में कैसे बॉलिंग करने का सोचते हैं, मतलब T20 में आपको क्या लगता है कि यॉर्कर ज्यादा जरूरी होती है या फिर वेरिएशन ज्यादा जरूरी होती है, तो इस फॉर्मेट के लिए
आपको क्या लगता है किस चीज पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? देखिए स्लॉग ओवर्स में काफी कुछ डिपेंड करता है बैट्समैन के ऊपर, कि बैट्समैन किस कैपेबिलिटी का है, वो कहाँ पे अच्छे शॉट मार सकता है, कहाँ पे उसका वीक पॉइंट है, और मेनली विकेट पे भी काफी डिपेंड करता है कि अगर विकेट अगर ज्यादा आपको हेल्प कर रही है तो आपको यॉर्कर्स और स्लोअर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको अच्छे लाइन और लेंथ पे डालना तो विकेट खुद पे खुद कुछ ना कुछ करेगा और आपको विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें एट द मोमेंट ही डिसाइड होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले से प्लान कर लो कि मैं 6 की 6 यॉर्कर मारूंगा या 6 की 6 स्लोअर्स मारूंगा, तो ऐसा नहीं होता उस टाइम मैच में, मैच की सिचुएशन में। फैंटास्टिक ऋषि, थैंक यू आपके 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 आंसर्स के लिए, आपके समय के लिए। मुझे बताया जा रहा है कि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है ऋषि और रिद्धि से, तो मेरी गुजारिश है हमारे फैंस से जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे साथ हैं केदार, प्रणीत, रवलीन और सनी, कि भाई आप लोग ना जाएं, हम लोग अपना किंग्स इलेवन पंजाब के बारे में डिस्कशन जारी रखेंगे। और जाते जाते मैं चाहूँगा रिद्धि और ऋषि से, दोनों से, कि भाई एक मैसेज किंग्स इलेवन पंजाब के फैंस के लिए, अगर रिद्धि आप बंगाली में दे दे तो मजा आ जाए और ऋषि पंजाबी में दे दे तो बड़ा मजा आ जाए। तो ऋषि पहले दे। जी बिल्कुल, पंजाबियों सानू सपोर्ट करते हो तो असी पूरी कोशिश करेंगे इस सीजन असी चैंपियन बनिए, तो तुहाडी सपोर्ट दे बिना असी चैंपियन नहीं बनना, इस वास्ते प्लीज सानू सपोर्ट करते रहो ते पूरे मदद करो साडी इस। चक दे पट्टे, बहुत बढ़िया। रिंग वाले मैं बोल रहा हूं कि पंजाबের সবাই আমাদের টিম কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে একদম সাপোর্ট করুক, মানে যেরকম আমরা জিতি কি হারি এনিওয়ে সাপোর্ট করুক, যাতে আমরা আরো বেটার করতে পারি টিমের জন্য, আর হোপফুলি সবাই করবে। থ্যাংকস। বাঙালি মে চক দে ফটে, কিউকি মুঝে বাঙালি নেই আতি ইসলিয়ে ইয়ে বোল রাহা হুঁ। বাট বহুত বহুত আচ্ছা লাগা আপ দোনো সে মিলকে, মুঝে পতা হ্যা কি আপকো জানা হ্যা, পর মে ধন্যবাদ দেনা চাহুঙ্গা আপ দোনো কো, ঋষি ঋদ্ধি, কি আপনে আপনা কিমতি আধা ঘন্টা হামে দিয়া, বহুত আচ্ছা লাগা। আর কোশিশ ইয়েই হোগি আমারি কি আপসে ফির মুলাকাত হো বহুত জলদি ইস আইপিএল মে, और हमारी सारी शुभकामनाएं आपके और आपकी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट, सी यू। भाई हम चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ, हमारे फैंस की तरफ जो हमारे साथ हैं, रवलीन, प्रणीत। भाई सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसा लगा, भाई हमारे यंग स्टार्स आए हैं ऋषि धवन और रिद्धिमान साहा। प्रणीत, आई एम गोना आस्क यू मैन, हाउ डिड यू एंजॉय टॉकिंग टू द गाइस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, I think it was pretty good. It's good to talk to youngsters who are just entering into the field and how they feel, getting the experiences from the seniors and what their strategy is to play in the long run. So it's pretty good to talk to youngsters instead of just talking to the marquee players all the time. Fantastic. I'm glad, and that's a honest response from an honest cricket fan, it seems. Wonderful, Praneeth, and I completely agree with you. Ravli, let me ask you, yaar, I mean, this is the second time you were with me on the show. I know it kind of sometimes it kind of gets tough with the language and everything, but did you enjoy being a part of the show? Yeah, I really loved doing the show. I love the people, the cricketers who come, because they're very cute. They're new cricketers. So whenever we ask a question, they have a very cute smile on their face and they try to explain it completely, what they meant. You know, this I was complaining this the same thing to last time around to Sandeep. That when I ask the question, he doesn't give me the cute smile. Only when Ravleen is asking, he is giving the cute smile. And he's a good sport. I mean, they all are good sports. Yeah, they all are very sweet to talk to. Let me just get views from Sunny. Do you think? I mean, you've seen the matches that Punjab played and won, and the one they've lost. But whatever you've seen, do you think that they have it in them to go all the way and probably bring the trophy home? Kya lagta hai, wo log jeet payenge? Yeah, I think they can do it if they keep on performing consistently and keep on winning the games. And as far as the team is concerned, it's a pretty good, well-balanced side, well-oiled too. And the way their batting is doing and bowling is also performing really well, I think they have the spirit to lift the trophy. All right. Just mute yourself. So let me just go to Kedar, our little wicket keeper here. I actually wanted to get some tips from Riddhiman, Riddhi to Kedar, but he was having some technical issues there. Yeah,
Yeah, Kedar, no problem. I'm glad you're still here with us. Give us your thoughts. Do you think that Punjab has as a good side, good enough to win the IPL for the fans? Yeah, they can. Matlab, every team has a consistent players. Every team can show consistency. Any team can win. Any and every team can win. If the players play from their heart, if they play good, they can still win it. Not just Kings 11, everybody can win. Okay, so he basically has kind of neutralized the field here. It's a level playing field for everyone, Kedar. Paneet, let me ask you this. I mean, do you think, I think Sunny and Kedar also just mentioned, touched upon that, upon Punjab being a balanced side. Do you share the same opinion that they do have a balanced side and they're good enough? Or they're too dependent on as well? Go on. I think they have maintained a really good momentum right in the beginning, and building confidence in such a fast game format is very important. They need to maintain after the Mumbai Indians game. I'm sure they're disheartened to lose the first match, but I'm sure they'll get back to their momentum, and Maxwell has really been playing amazing cricket, and I think they should really use him in their strategy for the future wins, whatever they plan to. And I really think that Punjab has it in them this time around to lift the trophy. Fantastic. Javleen, 6 match hue hain. How many did you see? Sorry? 6 matches played by Punjab. Did you get to see all of them, few of them? I could see only 3 of them. 3 of them. And so from whatever you've seen, I mean, this is what Parneet, Kedar, Sunny and I were just discussing. From a fan point of view, do you feel confident? I mean, in your opinion, it's I would love to hear a woman's point of view on this. That do you think the Punjab will win this this year, the IPL? Definitely. Is this the Sadarni in you talking? Yes. Or is it even if I wouldn't have seen the three, even if I wouldn't have seen the 3 ones, I would have said yes, Punjab will win. Okay, fair enough. Chalo, theek hai. So on that note, I think let's call it a day to the show. I had a lot of fun. I hope our viewers who you guys are watching. Hopefully you have enjoyed the show with Riddhi and Rishi as well. And keep watching, keep following Circle of Cricket. We'll bring you more action from the IPL and more cricketers from Punjab very soon, guys. Thank you for watching. Cheers. Good luck. Thanks a lot.